नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। मेरठ में अजब सियासत का गजब रंग सामने आया है, जिसे देखने के बाद सभी दंग रह गए। लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करने वाले कुछ ऐसे भी चेहरों की भरमार मिली जिनका आईक्यू पांचवी कक्षा के छात्रों से भी कमजोर है। ऐसे उम्मीदवारों से क्या उम्मीद की जा सकती है, ये जिले के बागडोर संभालेंगे और कैसे इसे तरक्की के मार्ग पर अग्रसर कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव में जीत का सपना देखने वाले उम्मीदवारों का आज सामान्य ज्ञान का इम्तिहान लिया गया। नतीजा कुछ ऐसा कि उन्हें यह भी नहीं पता कि राष्ट्रपति कौन है और राष्ट्रगीत क्या है। इतना ही नहीं, कमाल की बात तो यह है कि उन्हें सही से राष्ट्रगान तक याद नहीं। साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति भी APJ अब्दुल कलाम बता डाला। सेंसर पाल सिंह है जी। और मैं मेरठ हापुड़ लोकसभा से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं जी। और हम जो है गरीबों की आवाज़, हमारी आवाज़ है। दलित, अति दलित, पिछड़े, जो गरीब तबका है, हम उनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी जो पीड़ा है। हमारी मांग ये भी है कि गरीब लोगों को, कारीगर लोगों को, तकनीशियन लोगों को, उनके जो कर्जे हैं वो माफ़ किए जाएं। और दो दो लाख रुपए जो रेहड़ी वाले हैं, हमारे चाट बेचने वाले हैं या इस तरह के काम करने वाले हैं, अपना स्वरोजगार करने वाले हैं, उनके पास वो बहुत अधिक ब्याज पर पैसा उठाते हैं, प्रतिदिन के ब्याज के हिसाब से। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है दो दो लाख रुपए उनकी निधि बना करके उन्हें मदद करे और उनका हिसाब किताब रखा जाए, सरकार उन्हें पैसा दे दो दो लाख रुपए। अच्छा, ये बताइए, ये गरीबों की, हमारा मकसद ये है कि हम गरीबों की तरफ से आवाज़ हमारी है, गरीबों की आवाज़। तो हम ये देखिए, हमारा जो है, हमारे पास बड़ी गाड़ियाँ, हम नहीं चाहते कि बड़ी गाड़ियाँ चलें। हम तो चाहते कि पैदल ही हम चुनाव प्रचार करें, पैदल ही हम गांव-गांव घूमें, पैदल ही हम अपने अपने क्षेत्र में घूमें, ताकि हमारा जो है पेट्रोल या हमारा इस तरह का बहुत कम से कम खर्चे में हम कम से कम हो। ये देखिए, रेगिस्तान की सवारी है, ये बहुत विकट परिस्थितियों में चलता है, देश की रक्षा के लिए काम आता है। जहाँ हमारे बड़े से बड़े टैंक या बड़े से बड़े जो है वाहन भी नहीं जा सकते, वहाँ हमारा ऊँट काम करता है। हमारे देश की सीमा का रक्षक है ये, और हमारे देश में इसे सम्मान प्राप्त है। संसद जी, आप कहाँ से आए हैं? मेरठ। हम यहाँ मेरठ में शास्त्री नगर से आए हैं। 2019 चुनाव के लिए सभी पार्टी जनता को साधने में लगी हुई है, इसलिए 28 मार्च को मेरठ के दोराला थाना अंतर्गत शिवाय गांव में NH-58 हाईवे पर एक प्लाट में मोदी की रैली प्रस्तावित की गई, जिसके लिए आज भाजपा के विधायक, पदाधिकारी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता रैली स्थल पर पहुंचे और उसके लिए उन्होंने भूमि पूजन कराया। सब प्रमुख नेताओं ने यहाँ संपन्न किया है और मुझे लगता है कि आज जो संकल्प सब लोगों ने लिया है कि ऐतिहासिक सभा यहाँ होने वाली है, और उस सभा का संदेश जो शुरुआत मेरठ की धरती से होगी, जो 1857 की क्रांति का केंद्र है, निश्चित रूप से एक प्रचंड बहुमत की सरकार देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, ऐसा वातावरण ये इस रैली के माध्यम से निर्माण होगा। बुलंदशहर में खुर्जा पुलिस और सचल दल ने चुनावों को लेकर की जा रही सघन वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो कार में अवैध तरीके से ले जाई जा रही 1,06,00,000 रुपए की नकदी बरामद की है। सचल दल ने मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी है। वहीं बताया जा रहा है कि नकदी पशु व्यापारी की है और मौके पर नकदी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर सचल दल ने नकदी को जब्त कर लिया है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए जो हमारी FST और SST टीमें लगी हुई हैं, आज SST टीम के मजिस्ट्रेट मिस्टर आदेश कुमार, JE इरीगेशन और इंस्पेक्टर खुर्जा की टीम ने संयुक्त रूप से मूला खेड़ा चौराहे चेक कर रहे थे। वहाँ पर हाजी इरफान नाम का एक व्यक्ति जो स्कॉर्पियो गाड़ी UP-13 AC-7186 से जा रहा था, उस गाड़ी को रोक कर चेक किया गया। उसमें लगभग 1,06,00,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। उसको थाने पर बैठा लिया गया है और इनकम टैक्स ऑफिसर को सूचना दे दी गई है, शीघ्र पहुंच कर कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर ने आज अपना नामांकन कर दिया। नामांकन से पहले चौधरी कंवर सिंह तंवर ने जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद चौधरी कंवर सिंह तंवर अपने हजारों समर्थकों के साथ नेशनल हाईवे 24 पर रैली निकालते हुए जोया कस्बे के चौराहे तक जा पहुंचे। इस रैली के दौरान भाजपा प्रत्याशी ने जमकर आचार संहिता का उल्लंघन किया। किन हालात में और किन परिस्थितियों के साथ? खुशी है अमरोहा की जनता को, और आज पूरे लोकसभा के लोग
करीब 3 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर पैदल चल गए हजारों लोग, उनको इतनी खुशी है और माननीय मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। माननीय मोदी जी को हम इसलिए धन्यवाद, सारी जनता धन्यवाद दे रही है, और हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसे 5 साल से हिंदुस्तान को आगे लेकर गए ईमानदारी से, तो आज फिर जनता चाहती है दोबारा से देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने और ईमानदारी से देश को आगे लेके जाए। आज नाम हमने नामिनेशन किया है तो इसमें सभी भाइयों ने सबका सहयोग सबका प्यार मिला। मैं पूरे अपने लोकसभा के सभी बहन भाइयों को धन्यवाद देता हूं और आप सब मीडिया को धन्यवाद देता हूं। आजकल अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। पानीपत के तहसील कैंप में देर रात एक घर पर एक दर्जन से अधिक लोगों ने हथियारों से लैस होकर जमकर तोड़फोड़ की। आपको बता दें कि ये घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हमारे पास सूचना मिली थी कि जट्टू चौक पे जो है बच्चों का आपसी में झगड़ा हो रहा था, जिस सूचना पर हम तुरंत मौके पर पहुंचे और अप्लीकेशन ली जिसके साथ झगड़ा था, उन्होंने अप्लीकेशन देते ही हमने उनका मुकदमा दर्ज किया है। जिन जिनके नाम उन्होंने दिए थे उनमें से हमने 4 को अरेस्ट कर लिया मुकदमा दर्ज करके। सीसीटीवी फुटेज में तो काफ़ी व्यक्ति आ रहे हैं तो उसको लेकर तो अभी जैसे जैसे वेरीफाई होंगे आगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। अक्सर ऐसा क्षेत्र में माहौल रहता है यहाँ तहसील कैंप क्षेत्र में, उसको लेकर के पुलिस नहीं ऐसा तो नहीं है, बाकी जब भी झगड़े हुए हमने तुरंत कार्रवाई की है और आगे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटियाँ लगाएंगे, गश्त करेंगे, बाकी अब भी हम कर रहे हैं, डेली के नाके भी लग रहे हैं हमारे, प्रॉपर गश्त भी कर रहे हैं। बताइए ये चप्पल वाली दुकान के अंदर एक लड़का था, कोई और था अनजान जिसको हम नहीं जानते, ठीक है, उसको 10-12 लड़के मार रहे थे। मार्केट के बंदों ने उनको भगाया कि एक लड़के को अकेले मत मारो। उसके बाद मार्केट के बंदों ने शटल कर दिया नीचे, शटल नीचे करते ही 50 आदमी आ गए और हमारे घर के बाहर तोड़ फोड़ कर गए सारी, ये आप देख लो। और मैं कह रहे राहुल को जान से मारेंगे, मेरे को धमकी दे गया, मैं अपनी जान बचा के भागा हूँ, 40 बंदों के आगे आने का सिस्टम नहीं था हमारा। कौन लोग थे हमारे पुरानी रंजीत, पहले भी मार को मारने आए थे घर के बाहर 6 महीने पहले। कौन लोग है? यही हीरे उन्हीं का परिवार है पूरा, ये टिंकू कट्टे के केस में अंदर हो गया है 2 महीने पहले, गाड़ी तोड़ दी है सारी, सीटें मारी है ऊपर, सारा घर तोड़ दिया जी। जनपद मुरादाबाद के थाना मूंढा पांडा क्षेत्र में खनन कर रहे खनन माफिया रातों रात खड़ी गेहूं की फसल सहित मिट्टी उठा ले जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मूंढा पांडे के क्षेत्र के करणपुर चौकी से सामने आया है, जहां पर खनन माफियाओं ने गेहूं और गन्ने की खड़ी फसल बर्बाद कर दी और रातों रात मिट्टी उठा कर ले गए, जिसकी शिकायत पुलिस से भी की गई है। जी क्या मामला है ये सब? ये साहब मिट्टी उठ रही है यहाँ पे और हम मना करते हैं, जो लोग मानते नहीं है, और डंफर जो रात को चलते हैं दिन में उठती है, बच्चे खेलते हैं रोड पे, कोई बच्चा आ गया पीछे होम गार्ड का मर गया साहब, हम जो चाहते हैं कि दोबारा जो पुलिस कुछ नहीं कर रही है, फिर जो चाह रही है पुलिस के दोबारा और मरे कोई, तो हम जो कार्रवाई करने सोच रहे हैं ये मिट्टी रोक दी जाए। अरे सर गेहूँ की फसल खड़ी है ऐसे उठा लेते हैं सर? जे साहब गेहूँ पे कुछ नहीं देख रहे हैं, जो उठा लेते हैं सब रात को, डंफर भी चलते हैं दिन में भी चलते हैं। अच्छा कहाँ को निकालते हैं डंफर? ये थाने के आगे भी निकालते हैं और गांव में भी निकालते हैं बीच में। 24 घंटा काम चलता है? 24 घंटा काम चलता है। आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं बस जो डंफर बंद हो जाए, मिट्टी उठनी बंद हो जाए। अगर नहीं हुई तो? नहीं हुई तो साहब हम कोई कुछ ना कुछ इसका उपाय देखेंगे फिर, क्योंकि कहाँ कहाँ कोई बच्चा आ गया, जो कोई मर गया तो क्या होगा इसमें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CMN News। सब तक के लिए नमस्कार।